हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। आई होप आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। एक्चुअली कल इवनिंग में मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी डे टू डे में, उसे कुछ सामान लेना था तो लगे हाथों मैंने भी कुछ सामान ले लिया। एक्चुअली वहाँ पे कुछ चीज़ों में ऑफर चल रहा था तो मैंने 2 पैकेट बिस्किट और ये देखिए ये चॉकलेट ले लिया है, ये ऑफर में था और इसका प्राइस है 5.95 AED जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है समथिंग 100 रुपीज़। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल में मुझे मिला है और ये बन गया है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। देखने में थोड़ा सा ख़राब ज़रूर लग रहा है बट खाने में टेस्ट होगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि ये क्या बनाया है, मैं ही बता देती हूँ, ये है पैनकेक। एक्चुअली मैंने पहली बार बनाया इसलिए थोड़ा सा जल गया है। और अभी हम निकल पड़े हैं शॉपिंग करने। ये देखिए कितने सारे कबूतर उड़ रहे हैं ना, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। लास्ट 2 वीक से ना सोनू को छुट्टी नहीं मिल रहा है ऑफिस से और जिस वजह से हमारे किचन का कुछ भी सामान नहीं आ रहा है, सारा कुछ ख़त्म हो गया है। तो आज सोचा सबसे पहले यही काम करेंगे, मॉर्निंग में चलते हैं शॉपिंग मॉल और सारा सामान लाते हैं, उसके बाद आगे का आगे देखेंगे। तो लेट्स गो। हम लोग पहुँच गए हैं अलमदीना में। और ये देखिए यहाँ पे लूज प्रोडक्ट भी मिलता है बट हर एक शॉपिंग मॉल में नहीं मिलेगा आपको। जो बड़ी बड़ी हाइपर मार्केट होती है जैसे अलमदीना, लुलु हाइपर मार्केट, वहीं पे मिलता है। और यहाँ पे आप अपने पसंदीदा मसाला दाल अपने अकॉर्डिंग लाइक 1 दिराम 2 दिराम में ले सकते हैं। और पैकेट वाले प्रोडक्ट में और लूज वाले प्रोडक्ट में ज़्यादा क्वालिटी और प्राइस में डिफरेंस नहीं है, सेम क्वालिटी के होते हैं, प्राइस में भी ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो आज हम सारे लूज प्रोडक्ट ही लेंगे। और अभी हम लोग कुछ आम ले लेंगे क्योंकि हम बंगाली लोगों का एक बहुत ही फेमस त्यौहार का सीज़न चल रहा है जिसका नाम है अमावती। अमावती और जामाई षष्ठी एकदम सिमिलर है। ये स्पेशली जामाई के लिए होता है। इस दिन जामाई को बहुत सारे आम खिलाए जाते हैं और न्यू वस्त्र उपहार गिफ्ट दिया जाता है जामाई को। तो सोचा अभी तो हम घर से बाहर हैं, बहुत दूर है, तो क्या हुआ हम भी अमावती बनाएंगे। आई मीन त्यौहार तो त्यौहार ही होता है, आप चाहे किसी भी देश में रहे, कहीं पे भी रहे। बहुत सारा सामान ले लिया है, अब ये सारे सामान हम होम डिलीवरी के लिए डाल देंगे क्योंकि हमें जाना है डे टू डे कुछ और लेने। तो हम आ गए हैं डे टू डे में एक कढ़ाई खरीदने। एक्चुअली मुझे काफ़ी दिनों से एक कढ़ाई लेनी थी, लोहे की कढ़ाई, तो फाइनली आज मैं आ ही गई हूँ लेने। लगता है मेरा सामान आ गया है। अरे हाँ, ये देखिए लोग रख के चले भी गए हैं। अगर 50 दिरहम से ऊपर शॉपिंग करते हैं तो होम डिलीवरी देके जाते हैं। तो चलिए अब इसको लेके अंदर चलते हैं। अरे बाबा, इटा तो अनेक भार। ये देखिए न्यू कढ़ाई को मैंने बहुत अच्छे से धो करके इसमें थोड़ा सा तेल लगा कर मैंने रख दिया था 1 घंटे तक। पता है मैं ना जब धो रही थी इसको तो इसमें से काला काला रंग निकल रहा था। अब मुझे तो डर लग रहा है कि मैं सब्जी बनाऊंगी वो काला काला ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा। ये देखिए ये है पुई शाक, मैं आज पुई शाक के साथ और फिश के साथ बनाऊंगी। अरे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं है, इसको बंगाली में तो पुई शाक बोलते हैं, अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना इसको क्या बोलते हैं हिंदी में। ये रोहू फिश है, मैंने रोहू फिश को बहुत अच्छे से धो कर के और इसमें हल्दी नमक मिला कर के बहुत देर तक फ्रिज में रख दिया था। तो चलिए अभी खाना पकाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए छोटे छोटे करके प्याज काट लिया है, प्याज और फिश के साथ में फ्राई करूँगी और उसके बाद में पुई शाक की सब्जी बनाऊँगी।
मेरा सारा खाना बन गया है और न्यू कढ़ाई ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। सारा खाना बहुत अच्छा बना है और काला भी नहीं हुआ है। मैं फिर से इसको धो कर के अच्छे से तेल लगा के रख देती हूँ, मेरा अच्छा कढ़ाई। चलिए, खाना तो बन गया है और अभी टाइम है इस सब्जी के बैग को खाली करने का। तो देखते हैं कि सारा सामान आया है या नहीं और सारे सामान को इसके सही जगह पे रख देते हैं। और सोनू भी ऑफिस गया है बस थोड़ी देर के लिए, अभी वो आ जाएगा फिर हम खाना खाएंगे। तब तक मैं इस सारे सामान को रख देती हूँ फटाफट। अभी शाम के 6 बज गए हैं और देखिए हम दोनों निकल पड़े हैं सनसेट देखने के लिए। अभी अभी हमने प्लान बनाया कि बीच चलते हैं, सनसेट देखेंगे। तो पहुंचने में हमें 1 घंटा लगेगा। चलिए चलते हैं, सनसेट देखेंगे, बीच चलेंगे और मजे करेंगे। तो अभी हम चल पड़े हैं बीच, जाएंगे सनसेट देखने। और ये देखिए हमारे मिस्टर, और इनके हाथ में है बड़ा सा बैग। क्या कर रहे हो आप चश्मा साहब? बड़ा सा बैग ये देख सकते हैं, और इसमें है क्या खाना है, खाने में क्या है, कुकीज। और आगे जाके दिखाएंगे आपको बीच में क्या क्या है। हमारे एक और फ्रेंड है, वो भी जाएगा हमारे साथ, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। एक बार वो आ जाए फिर चलते हैं बीच में। अभी सनसेट का भी टाइम हो गया है, पता नहीं हम पहुंच पाएंगे या नहीं टाइम से। कितने बजे है सनू? 7:30 तक सनसेट होगा, तो आई होप हम पहुंच जाए। पुनीत कोथाय যাচ্ছো? কোথায় 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 যাচ্ছো? तो यहाँ पे मेट्रो कार्ड बस में भी चलता है। बस के लिए कोई अलग से कार्ड या और टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेट्रो कार्ड होता है उसी को हम बस में यूज़ कर सकते हैं। ये लॉलीपॉप मैंने पहले कभी नहीं देखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखिए क्या बना है। अरे यार ओपन ही नहीं हो रहा है। होगा होगा, इतना बड़ा सा तो अभी हारना पड़ा लास्ट में। ये देखिए, अच्छा पता है क्या है ये? ये देखो छक्का पंजा नहीं मतलब वो है ना क्या खेलते हैं, लूडो। लूडो लूडो की गोटी है, नहीं गोटी 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 वो वाला गोटी। अभी तक तो हम बस स्टॉप में ही बैठे हैं, अभी तक बस ही नहीं आया। 6:40 हो गया है और मे बी हम सनसेट नहीं देख पाएंगे, रात हो जाएगा जाते जाते। 1, 2, 3, go, now. ये देखिए रात भी हो गया है और हम बस से उतर तो गए, लेकिन अभी पैदल चल के जाना पड़ेगा एटलीस्ट 15 मिनट्स। ये देखिए कितने सुंदर स्टेचू हैं, किसी का घर है ये और घर के सामने ही ऐसे बना हुआ है। कितना सुंदर है ना देखने में, एकदम रियल लग रहा है। अभी हम जिस बीच में आए हैं इसका नाम है लामिर बीच। ये वाले बीच में हम पहली बार आ रहे हैं। इसके पास में एक और बीच है जिसका नाम मार्काटो है, उधर हम 2 बार गए हैं बट यहाँ पे कभी आना नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हम आ रहे हैं और देखने में थोड़ा सा ना इसका थीम जो है थोड़ा डरावना है। और ये जो जीप आप देख रहे हैं
ये मेरे फ्रेंड बोल रहा है ये जीप रॉन्ग टर्न मूवी में यूज़ हुआ था। रॉन्ग टर्न हॉलीवुड मूवी है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा है इस मूवी को, बहुत ही डरावना मूवी है। बोल रहा है उस मूवी में ये जीप यूज़ हुआ था, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे। और ये देखिए इस जगह को देख के आप लोगों को किस कंट्री की याद आ रही है, यूरोप की ना। हाँ जी, इस जगह को थोड़ा सा यूरोपियन लुक दिया गया है, देखने में यूरोप जैसा ही है, थोड़ा सा मिलता जुलता है ना। मैं भी थोड़ा सा यूरोप कंट्री का फील ले लेती हूँ, थोड़ी देर यहीं पे घूमती हूँ और कुछ अच्छे अच्छे फोटो क्लिक कर लेती हूँ यहाँ पे। फाइनली हम बीच पे पहुंच गए हैं और पानी की आवाज भी सुनाई दे रही है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। इतना सुंदर पानी देखकर मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, मन कर रहा है और नहा लूं। वैसे हम अपने साथ कपड़े तो लाए हैं, हम इस पर्पस से भी आए थे कि सनसेट देखेंगे और नहा भी लेंगे, बट इतने रात हो गए हैं, सनसेट तो नसीब में ही नहीं हुआ इस बार। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी निकलेंगे। और ना फ्रेंड, इतनी गर्मी में पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम नहाएंगे नहीं, क्योंकि ना स्किन काली पड़ जाती है और आप लोगों को पता है समुंदर का पानी कितना खारा होता है। ये नमक वाले पानी में नहाने के बाद ना बहुत ही अजीब हो जाता है एकदम शरीर, और हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। और लास्ट कुछ दिन पहले ही हमने बीच में एक बार नहा लिया है, तो आज स्किप कर देते हैं, वैसे पानी के साथ थोड़ा खेल लेते हैं। पता है हम लोग सब भूत भूत लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो लाइक कर देना। चलिए, बहुत टाइम तक हमने पानी में खेल लिया है और एक बहुत ही अच्छा इवनिंग हमने स्पेंड किया सब लोग मिलके, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। और अभी टाइम हो गया है घर जाने का, क्योंकि 9:30 हो गया है और इसके बाद हमें बस नहीं मिलेगा, तो अभी चलते हैं रूम की। और नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो थोड़ा जल्दी निकलेंगे और सनसेट भी देखेंगे और नहाएंगे भी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक सबको बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।